चुप मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी का रिव्यू हम आज की वीडियो में करेंगे और इस मूवी ने मेरी एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर किया या नहीं किया वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम अभी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी को एक रिव्यूअर की तरह देखने नहीं गया था। हालांकि इस हफ्ते बहुत सारी मिस्ट्री थ्रिलर वाली मूवी रिलीज हो रही है, बहुत सारी तो नहीं, दो ही रिलीज हो रही है, एक ये और एक धोखा। धोखा का भी रिव्यू जल्दी चैनल पर आएगा तो उसके लिए भी इसको भी सब्सक्राइब कर दो, अभी बता रहा हूँ। तो भाई बात करें चुप मूवी की, तो चुप मूवी को मैं एक रिव्यूअर की तरह देखने नहीं गया था और भाई सच बताऊँ तो मैंने इस मूवी को इंजॉय किया। इस मूवी में जो दुलकर सलमान की एक्टिंग है, ज़बरदस्त एक्टिंग है उनकी, यार एक्टिंग के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। दुलकर सलमान, पूजा भट्ट, सनी देओल और भाई साहब सब ने ही एक्टिंग अपनी एकदम परफेक्ट किया। और जो इस पिक्चर की जो कास्टिंग है वो भी एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आई कास्टिंग। हाँ लेकिन इस मूवी को एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मर्डर दिखा रखे हैं। तो ये मूवी एक बच्चों के लिए नहीं बनी तो बच्चे इस मूवी से दूर ही रहे। बट जो इस मूवी की स्टोरी है वो स्टोरी तो बहुत अच्छी है, उसका स्क्रीन प्ले भी अलग है। बॉलीवुड ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है और जो इस मूवी में दिखा रखा है कि मर्डर जो होते हैं, जो झूठे रिव्यू करते हैं या पैसे लेकर के झूठे रिव्यू करते हैं, जो अच्छे को बुरा बताते हैं और बुरे को अच्छा बताते हैं, तो उनका इस मूवी में मर्डर होता है, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर होता है। तो उसी के ऊपर पूरी बेस्ड ये मूवी है। और हाँ इसका थोड़ा सा अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो थोड़ा सा और परफेक्ट हो सकता था। हाँ वैसे अगर तुम कमी निकालना चाहो तो इस मूवी में कमी तो बहुत निकाल सकते हो, बट यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कमी को छोड़ साइड रख देते हैं तो ये मूवी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन थी ये उस लेवल तक डिलीवर नहीं कर पाई, बट जितना मैंने सोचा था मिस्ट्री थ्रिलर वो इस मूवी में पूरा पूरा भर के था। हाँ इस मूवी में जो सस्पेंस रहता है वो हमें फर्स्ट हाफ में हमें पता चल जाता है कि कौन है मर्डरर, बट जब हम कोई ऐसी सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवी देखते हैं तो उसमें हमारा एंड तक भी चलते रहता है कि नहीं अभी ये नहीं है, क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर वाली जो मूवी रहती है उनका यही काम रहता है बीच बीच में शॉकर दे कि हमें लगा है कि ये है ये है ये है, बट ऐसा इस पिक्चर के साथ नहीं है। थोड़ा सा इसमें अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हो जाते हैं मूवी के साथ। मैं नहीं कहता कि हर चीज़ मूवी अच्छी ही बनती है, गलती हर किसी से होती है, गलती हमसे भी होती है, हमारी वीडियो में भी हम कभी कभी गलत बोल देते हैं। तो बाकी मेरे हिसाब से मूवी बहुत अच्छी थी और अगर मैं मूवी को स्टार्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस मूवी को 4 स्टार मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। मेरी फैमिली में 16 साल से ऊपर के हो तो तुम लोग बिल्कुल जा करके देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो यहीं तक की, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।